नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नवनियुक्त शहरी स्थानीय निकाय एवं आवास मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कार्यभार संभालते ही दोनों विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही शुक्रवार को 12 बजे पूरे प्रदेश से दोनों विभागों के अधिकारियों को मीटिंग के लिए बुलाया। उन्होंने साफ किया कि कोई भी अधिकारी अगर इस मीटिंग में लेट पहुंचता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। दोनों डिपार्टमेंट्स के जो सबसे उच्च अधिकारी थे उनसे मुलाकात हुई है और मैंने कल ही अपने पूरे हरियाणा के कुछ लगभग 40 से 50 के बीच में जो अधिकारी हमने सोचा है उन सबको मैंने कल 12 बजे के लगभग निवेदन किया है कि वो यहाँ आए और एक दूसरे से बैठकर आपस में हम परिचय करें। हम ये भी चाहेंगे कि सभी लोग जिनको जो जिम्मेवारी मिली हुई है उस जिम्मेवारी को वो एक्सेप्ट करें। मान लो मुझे एक जिम्मेवारी दी है निकाय की तो मुझे भी स्वीकार करना चाहिए कि मैंने ये जिम्मेवारी ली है। ऑनेस्टी से सबको काम करना चाहिए और सबको अपने जूनियर्स जो उनके नीचे काम कर रहे हैं उनकी अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम है तो उसको दूर करना भी मुखिया के नाते ये मेरी ड्यूटी भी है और सीनियर ऑफिसर्स की भी ड्यूटी। और वहीं दूसरी ओर मंत्रिमंडल में दो नए मंत्रियों को शामिल करने के बाद मामला पेचीदा हो गया है, जिसे लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने याचिका दायर की है और कहा कि 14 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह देना असंवैधानिक है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने जगमोहन सिंह से खास बातचीत की। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसके बाद दो नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया गया। इसके बाद से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 14 मंत्री बने हैं। इसको लेकर हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के अंदर याची जगमोहन सिंह भट्टी ने बाकायदा एक याचिका डाली है, जिसके तहत उनका कहना है कि ये जो 14 मंत्री बने हैं ये असंवैधानिक है। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए खुद याची सीनियर एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी मौजूद हैं। सर, ये बताएं कि किस तरीके से देखते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, दो नए चेहरों को कैबिनेट में लाया गया, कुल मिला के गठबंधन की सरकार के अंदर मौजूदा समय के अंदर कुल 14 मंत्री हैं, किस तरीके से क्या कहेंगे? अगर ये देखा जाए जी, जो सरकार खट्टर सरकार है जी, वो जब भी कोई इनॉग्रेशन करती है किसी भी स्कीम का या कुछ भी करती है वो ये कहती है सौगात दी। वो कैसी सौगात दी और ये सौगात अपने मंत्रियों को दी या क्या किया? इस सौगात ने सारा जो मंत्रिमंडल है उसको खतरे में डाल दिया। मैंने अपनी रिट में ये कहा है इस हिसाब से 14 से ऊपर हो जाती है, 13.5 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 13.5 से। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन की 91st अमेंडमेंट है जो 2003 में आई थी वो कई हाई कोर्टों ने अपहेल्ड कर दी है, जिसके मुताबिक जो कैबिनेट साइज है 15% ऑफ दी टोटल हाउस की जो स्ट्रेंथ है उससे नहीं हो सकता। हरियाणा के 90 MLA हैं, 90 के मुताबिक 13.5 का आंकड़ा आता है और 13 का राउंड फिगर हो सकता है, 14 का नहीं हो सकता। अगर ये संवैधानिक सरकार है तो संविधान का तो पालन करना चाहिए। दो लोगों को सौगात दे के जो बाकी मंत्रिमंडल है जो 14 का चल रहा है अब आज की डेट में, और एडवोकेट जनरल को डाल लिया जाए तो वो भी कैबिनेट रैंक एंजॉय करते हैं, तो इन सभी की जो अपॉइंटमेंट है वो खतरे में आ गई है। सर, ये बताएं जिस तरीके से आपने बात कही कि 13 मंत्री बनाए जा सकते हैं या फिर 13.5, ये जो 13.5 का जो आंकड़ा है इसको थोड़ा सा समझाएं किस तरीके से आप 13.5 की जो बात कर रहे हैं, 13 या 14, उस 13.5 के गणित को समझाएं, आखिर क्या उसका मेल खाता है? जो गणित है इसके ऊपर मेरी आगे भी रेट पंजाब की भी और हरियाणा की भी दोनों की रेट जो है पेंडिंग पड़ी है इस माननीय न्यायालय ने, अजय तक कोई फैसला नहीं लिया इसके ऊपर और कितने राउंड आर्गूमेंट्स के हो गए हैं। ये अगर फैसला हो जाता तो आज ये गलती ना होती, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक सरकार है जो खट्टर साहब की उससे गलती ना होती, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी जब बलबीर सिंह सिद्धू को बनाया था तो उसका उनका भी आंकड़ा पार कर गया था जी 15% से। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी उसके मुताबिक मैंने यहाँ चैलेंज कर दिया जो लंबित है। अगर हमारा न्यायालय इसके ऊपर कोई
कोई भी ऑर्डर कर देता तो कम अज कम वन फॉर ऑल सेटलमेंट हो जाती। ये बताएं कि उस वक्त भी जो हल्फनामा, जैसे मैंने आर्टिकल्स पढ़े कुछ, उस वक्त भी हल्फनामा या फिर पेशकश जो की गई थी सत्यपाल जैन द्वारा, वो ये था कि 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं, और अब जो है 14 मंत्री बन चुके हैं। तो ऐसे में आपका अगला क्या अपडेट्स रहने वाली, किस तरीके से इसकी पैरवी करेंगे, क्या कुछ रहेगा फाइनल? जी देखिए, मैंने ये बात जो है फिर दोबारा इस न्यायालय में रखी है। दो रेट्स मेरी लंबित हैं, पंजाब के भी हरियाणा के भी, मंत्री के साइज के, कैबिनेट साइज के ऊपर लंबित है। अगर एक्सीड कर जाती है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किस बात की है जी? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्या कर रही है जी? मैं तो ये सवाल खड़ा किया मैंने, और लोगों के बिहाफ पे या पब्लिक इंटरेस्ट में खड़ा किया है। मैंने किसी को ये नहीं कहा, मेरी तो ना किसी से दोस्ती है ना कहूं से बैर। मैं तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की और इंडिया की मंगा खैर जी। मैं ये कहता हूँ अगर कोई भी इस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करना चाहता तो अगर ये कंटेम्प्ट है, डिवीजन बेंच का फैसला जो है वायलेट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन वायलेट हुई है, और जो इन्होंने ओथ ली है वो वायलेट हुई है, तो कंटेम्प्ट बनती है। कुछ दिनों में आप देखोगे, शायद मेरे पास दोबारा भी आओगे, कंटेम्प्ट दाखिल हो गई तो बताइए जी क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ सीनियर एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी, जिन्होंने हरियाणा मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किए गए दो नए मंत्रियों के बाद कुल मिला के 14 कैबिनेट मंत्री जो है वो बनाए जा चुके हैं हरियाणा के अंदर। उसके खिलाफ जो है वो याचिका हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में दायर की है। उन्होंने कहा कि ये टोटली असंवैधानिक है, और अब इसके ऊपर जो है वो आगामी रूपरेखा तैयार करके बाकायदा उन्होंने रिट जो है वो डाल चुके हैं, और अब आगामी जो भी रणनीति होगी उसके तहत वो कार्रवाई भी करेंगे। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट। और एक बार फिर से फरीदाबाद में कोरोना का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, फरीदाबाद में कोरोना के 40 नए मामले सामने आए हैं, 40 नए मरीज सामने आए हैं। 7 मरीजों ने दी कोरोना को मात, जिले का रिकवरी रेट पहुंचा 99.15%। 7 मरीजों ने हालांकि अब तक कोरोना को मात दे दी है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है हर खबर हरियाणा की स्क्रीन पर। 44 नए मरीज सामने आए हैं, 7 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी, जिले का रिकवरी रेट पहुंचा है 99.15%। तो देखिए लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कोरोना के, एक बार फिर से कोरोना में तेजी देखी जा रही है कोरोना के मामलों में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दूसरी लहर के बाद आंकड़ों में भारी गिरावट देखी गई थी, और लग रहा था कि कोरोना अब जा चुका है, ना मात्र ही बचा है ये संक्रमण। लेकिन जिस तरह से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन ने एंट्री मारी, और उसके बाद ये नए मामले, 44 नए मामले अपने आप में बड़ी संख्या है, फरीदाबाद से सामने आए हैं ये मामले, तो ऐसे में ये बड़ा चिंता का विषय बनता है स्वास्थ्य विभाग के लिए भी, जहां पर लगातार मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, और साथ ही साथ ओमिक्रोन एक बड़ा खतरा बनकर सामने आ चुका है। तो अब देखने वाली बात यह रहेगी कि आखिर कब तक इन सभी वेरिएंट्स और संक्रमण पर लगाम लगाया जा सकता है, क्योंकि प्रशासन हर स्तर पर कोशिश कर रहा है, सख्ती बरत रहा है, तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, चाहे वह अस्पतालों में इंतजाम किए जाए या बाजारों या सार्वजनिक जगहों की बात की जाए, तो सरकार प्रशासन पुरजोर कोशिश कर रहा है इस संक्रमण से निजात पाने के लिए। लेकिन हर एक की जिम्मेदारी है, भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी है सावधानी बरतना, और जिस तरह से यह स्थिति पैदा हो रही है, एक बार फिर से मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो आने वाले समय का अंदाजा लगा सकते हैं, बेहद ही भयावह स्थिति पैदा हो सकती है। तो इससे बचने का एकमात्र उपाय है, सावधानी बरतिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सार्वजनिक जगहों पर जाने से अवॉइड कीजिए, बार बार अपने हाथों को धोइए। तो ये तमाम जो पहले से ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये जानकारी अपडेट कर दी जा चुकी थी कि तीसरी लहर आने की संभावना है, तो सवाल यही उठता है जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, क्या ये तीसरी लहर की आहट है? और एक बार बड़ी खबर फिर से सामने आ रही है, हिसार में ओमिक्रोन ने दस्तक दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है हर खबर हरियाणा से, आपको बता दें ओमिक्रोन ने दस्तक दी है हिसार में, कोरोना के 4 केस सामने आए हैं, और अब ओमिक्रोन के भी मामले, यानी कि 2 ओमिक्रोन के मामलों की पुष्टि हो गई है। 3 मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री रही है, एयरपोर्ट पर सैंपल आए थे और उसके बाद इन सैंपलों को जांच के लिए भेजा गया, जिसमें
अब ओमिक्रॉन की पुष्टि की बात सामने आई है। दोबारा टेस्ट में पाए गए ओमिक्रॉन पॉजिटिव, दो में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है और इन सभी मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री रही है, बाहर देश से आए थे भारत में, जिसके चलते ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं। हिसार में फिर हुआ था कोविड टेस्ट, उसके बाद इनकी रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई। तो इस वक्त यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ओमिक्रॉन ने अब हिसार में भी दस्तक दे दी है। तीन मरीजों की ये ट्रैवल हिस्ट्री रही है, जिनमें से दो की ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है। इस वक्त की यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार ओमिक्रॉन का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है भारत में। अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में ये मामले जो है, ये संख्या जो है वहां पर रुक नहीं रही है, लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है इन मामलों में। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है हिसार में भी, जहां पर दो मरीजों की पुष्टि हुई है। हालांकि तीन मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री रही थी, लेकिन जांच में अब तक जो पुष्टि सामने आई है वह दो मरीज हैं जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं। दोबारा टेस्ट उनका किया गया जिसमें वह पॉजिटिव आए। तो हिसार से इस वक्त की अब बड़ी खबर सामने आ रही है, तीन मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री रही है जिनमें से दो की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। तो इस वक्त की अब बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रदेश में लगातार ओमिक्रॉन का संक्रमण का खतरा जो है वह बढ़ता जा रहा है। ऐसे में न केवल स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय है, बल्कि हर एक के लिए यह चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। लगातार कोरोना का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है, वहीं इस बीच ओमिक्रॉन की दस्तक भी हाहाकार मचा रही है। तो ऐसे में यह स्थिति और भी ज्यादा भयावह ना बने, इसको देखते हुए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। हालांकि प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं। अनूप, देखिए जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वह आने वाले समय के लिए भयावह स्थिति पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल हिमानी, जिस प्रकार से ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट आया है उसको लेकर के भारत जितने चिंतित है, कहीं ना कहीं लोगों में भी इसका भय बढ़ता जा रहा है। और हिसार में इस प्रकार के दो मामले सामने आए, हालांकि हिसार के हम जनरल नहीं कह सकते, क्योंकि इनकी दोनों की जो विदेश की हिस्ट्री है, एक ऑस्ट्रेलिया से है और एक अन्य है जो बाहर से आए हुए हैं, इनको 13 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया था और इनके जो सैंपल है वो दिल्ली भेजे गए थे, जहां से नए वेरियंट ओमिक्रॉन की जो पुष्टि हुई है उसके बावजूद पूरे परिवार के सैंपल लिए गए हैं जो नेगेटिव आए हैं और इनकी भी जो अगली रिपोर्ट है वो नेगेटिव पाई गई है। जो सिविल सर्जन, डिप्टी सिविल सर्जन ने बताया उसके अनुसार अभी इनको क्वारंटाइन का समय पूरा हो चुका है और इनकी हालात भी बिल्कुल सही है, स्वास्थ्य में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सैंपल दिल्ली भेजे गए थे उसमें जरूर पुष्टि हुई थी ओमिक्रॉन की। हिमानी जी, राहत की बात यही है अनूप कुंडू की, स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबर कुरुक्षेत्र में, राज्य मंत्री कमलेश डांडा ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिरकत की। कष्ट निवारण समिति में 16 शिकायतें आई थी, जिनमें से 13 शिकायतों का निवारण कर दिया गया है, बाकी 3 शिकायतों का निवारण अगली बैठक में होगा। मंत्री कमलेश डांडा ने अधिकारियों को नसीहत दी कि जनता के फोन उठाकर उनका जायज काम करना आदत में शुमार करें, अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री कमलेश डांडा ने कहा कि प्रदेश भर की आंगनबाड़ी वर्कर्स की अधिकांश मांगों को मान लिया है। जांच के दौरान जो हमारे ग्रीवेंस के मेंबर थे श्री रजिस्टर बैल और रविंदर सांगवान, सर आप बैंक में करवाया था? हाँ जी, बैंक में करवाया। और चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें लेकर आने के बाद आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है। इसी को लेकर चंडीगढ़ में विक्ट्री रैली का आयोजन किया, जिसमें आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे। केजरीवाल ने कहा कि लोगों ने उनकी पार्टी पर विश्वास जताया है, जैसे काम दिल्ली में किए गए वैसे ही काम चंडीगढ़ और पंजाब में करेंगे। किया, बहुत विश्वास किया हमारे ऊपर, उनका विश्वास हम कभी भी टूटने नहीं देंगे।
जैसे दिल्ली में अच्छा काम किया वैसे चंडीगढ़ में भी अच्छा काम करेंगे और फिर पंजाब में भी अच्छा। चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी में एक तरह से खुशी की लहर है क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें जीत करके एक नया कीर्तिमान साबित किया और हमारे साथ चंडीगढ़ के आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट प्रेम गर्ग हमारे साथ हैं। साहब सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आज केजरीवाल साहब के आने का मुख्य कारण था जो चंडीगढ़ की जनता ने इतना अच्छा मैंडेट दिया है उसके लिए धन्यवाद करना था, तो अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा अच्छा कौन हो सकता है जो आम आदमी पार्टी की तरफ से धन्यवाद करेंगे। इसका मेन है कि सारे देश में एक संदेश गया है कि आम आदमी पार्टी अब आ गई और एक सबसे बड़ी सीट जो वार्ड 17 की कही जा रही है कि मौजूदा मेयर रविकांत शर्मा को पराजय का मुंह देखना पड़ा। भाजपा के तो तीनों एक्स मेयर तीनों को ही हराया है इस बार और जो अरुण सिंह जी प्रेजिडेंट है उनके भी जो वार्ड है उसमें से आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। तो आपने देखा कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी में एक तरह से खुशी का माहौल है और ये थे हमारे साथ प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के प्रेम गर्ग। अब आगे चल करके देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल की ये विजय यात्रा क्या 2022 विधानसभा चुनाव में असर डाल पाएगी। लोगों ने बहुत प्यार दिया बहुत। गया जहां पर खुद सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे और ऐसे में नगर निगम में चुनाव की जीत के बाद आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है जहां पर वह कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में एंट्री लेने की कोशिश कर रही है और अपना परचम लहराने के दावे कर रही है। तो आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के चंडीगढ़ पहुंचने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी काफी खुशी की लहर देखी गई जहां पर इसी को लेकर विक्ट्री रैली का भी आयोजन किया गया आम आदमी पार्टी द्वारा जिसमें आपके संयोजक केजरीवाल भी पहुंचे। केजरीवाल ने कहा कि लोगों ने उनकी पार्टी पर विश्वास जताया है और आने वाले समय में भी लोग उनका साथ देंगे। जैसे काम दिल्ली में किए गए हैं वैसे ही काम चंडीगढ़ और पंजाब में भी करेंगे। तो खुद रैली में अरविंद केजरीवाल पहुंचे और ऐसे में ये रैली जो थी वह विक्ट्री रैली के नाम से आयोजित की गई थी और इसके साथ ही आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के चंडीगढ़ पहुंचने पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम गर्ग से खास बातचीत की। पंजाब से हमारे ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने क्या कुछ कहा प्रेम गर्ग ने आपको सुनाते हैं। समय चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के झंडे हर तरफ नजर आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल यहां पर मौजूद हैं और सबसे और खबर गुरुग्राम से है जहां पुलिस टीम ने ऐसी वसूली गर्ल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जो डेटिंग ऐप के जरिए नौजवान युवकों को प्रेम जाल में फंसा उनके साथ शारीरिक संबंध बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर उनसे वसूली करती थी। वहीं इस मामले में एसीपी क्राइम की माने तो आरोपी युवती की उम्र 20 साल है जिसको न्यू की कॉलोनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ब्लैकमेलिंग और वसूली के नेक्सस का भंडाफोड़ किया है जिसमें गिरफ्तार युवती की मां और उसका एक साथी भी शामिल था। वहीं पीड़ित युवक ने बताया कि आरोपी युवती ने उसके साथ संबंध बनाए और उसको मजबूर करके जबरन शादी कर ली। वहीं पुलिस रिकॉर्ड की माने तो आरोपी युवती साल भर में 7 युवकों के खिलाफ दुष्कर्म के मामले दर्ज करवा चुकी है जिसमें 2 मामले पुलिसिया तफ्तीश में गलत पाए गए हैं। मैं एक लड़की से मिला था उसकी एज है 20 तकरीबन 20 साल उसके डेटिंग ऐप के थ्रू मिला था सर मैं तो सर अगले दिन से सर मिला था अगले दिन हम मिलने चले गए ठीक है तो उसके मतलब जस्ट 3-4 घंटे बाद ही उसने मेरे को परेशान करना स्टार्ट कर दिया सर। दिन में 150-150 गोली की उसने सर। मैं इतना हैरेस हो गया था सर मैं उसकी कंप्लेंट लिखवाने पुलिस स्टेशन भी गया। पुलिस स्टेशन में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। कौन से पुलिस स्टेशन गए थे? सिटी थाना में। अच्छा हाँ जी तो सर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसने शादी का बोला तो सर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसने बोला कि मेरे घर पे फोन कर दिया पापा को तो ये बोला कि मैं आपके लड़के पे रेप का केस डाल दूंगी तो सर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा भाई शादी के अलावा तो सर 24 अगस्त को मैंने शादी करनी पड़ी मेरे सर। उसके बाद हमारी लड़ाइयाँ हुई। इसने सर 4 सितंबर को एक और कंप्लेंट दे दी मेरे खिलाफ रेप की
तो पुलिस वालों ने शायद शादी हो गई थी उस वजह से वो एप्लीकेशन खारिज कर दी। तो सर यही है, और बाद में पुलिस स्टेशन जाके मेरे को पता चला कि सर इसने 7 रेप केस पहले डाल रखे हैं, सेम यही पैटर्न। सुसु कपूर हैं लेडी, उन्होंने केस रजिस्टर करवाया है न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन में कि उनका बेटा एक किराए का मकान ढूंढ रहा था और जिसमें इस किसी का फोन नंबर लगा डिस्प्ले कर रखा था जिस पे बातचीत करके और मकान लिया, तो उसके बाद उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उस पे लगातार दबाव बनाया कि या तो मेरे से शादी कर या पैसे दे, नहीं तो मैं तेरे खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज करवा दूंगी। और इस तरह की जब बात सिरे नहीं चढ़ पाई, उनकी लेजर वैली में एक मीटिंग हुई, उसमें भी इस तरह की शर्त रखी गई और वो जब सक्सेस नहीं हो पाई तो उन्होंने डीएलएफ फेज 3 में उसके खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज करवा दिया, जिसके संबंध में शिकायत देने पे हमने केस रजिस्टर करके और इसकी इन्वेस्टिगेशन न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन द्वारा की गई। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो आयुषी नाम की लड़की थी जो जबरदस्ती शादी करने के बदले या तो पैसे मांग रही थी, और उसको हमने गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ पे उसने बतलाया है कि इस तरह के वो पहले भी 7-8 केस दर्ज करवा चुकी है। और बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए फरीदाबाद प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। लोगों को सख्त चेतावनी के साथ कहा कि लोग बिना वजह घर से बाहर ना निकलें और नए साल को कायदे कानून के तहत ही मनाएं। वहीं पुलिस द्वारा सभी जगहों पर नाकेबंदी की जाएगी और रात 11 बजे के बाद जो भी सड़कों पर आता जाता मिलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनता को सोचना चाहिए, देश के ऊपर इतनी महामारी बाहरी महामारी आई हुई है तो जनता को भी कोऑपरेट करना चाहिए। पुलिस तो अपनी तरफ से मुस्तैद है, जब भारतवर्ष का एक नागरिक इसमें सहयोग नहीं देगा तो हम कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से नाकाबंदी लगाए खड़े हैं। अगर कोई हो हल्ला करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। नरवाना में मोहित गोयल की मौत को लेकर अब हरियाणा व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग का भी बयान सामने आया है। बजरंग दास गर्ग ने मांग की है कि मोहित के परिवार को सहायता राशि दी जाए, साथ ही उन्होंने डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर भी सवाल उठाए हैं। गर्ग ने कहा कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से ही मोहित की जान गई, सरकारी अस्पताल होने के बावजूद भी अस्पताल में मूलभूत सुविधा नहीं है। अजुल्ले फुजुल्ले कानून जारी, डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मोहित गोयल की जो मृत्यु हुई है वो निंदनीय है और इसके ऊपर व्यापार मंडल गहरा दुख प्रकट करता है। जबकि सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर मूलभूत सुविधा तक नहीं है, इसलिए कोरोना से बचकर रहना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और यमुनानगर के हुड्डा सेक्टर 17 में चोरी की अजीबोगरीब वारदात सामने आई है। यहां की दुकानों की छतों पर लगे एसी में लगे लंबे तारों की चोरी हो गई है। सिर्फ एक ही नहीं, दर्जन भर दुकानों के तार चोरी हो गए हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और कहा कि इस मामले में गहनता से जांच जारी है। बिल्कुल गलत है, वो तो खुद बढ़वाया रास्ता है। सेक्टर 17 की मार्केट में कोई एसी की तारा वगैरह तोड़ काट लिए चोरों ने, तो वो मौके पर पहुंचा हूँ। जो देखा कि यहाँ पर पता चला कि 8-10 हैं जो जिनके कंप्रेसर के वगैरह एसी की तारें काट ली हैं, जो भी इनसे दरखास्त लेके मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में लगाई।
तो एसी की तारों की चोरी का मामला यह सामने यमुनानगर से आया है। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर हरियाणा के साथ। नमस्कार।